दोस्तों, ये जो आपको अपनी स्क्रीन पर कांच की बोतल में बंद चीज दिख रही है, ये आपको क्या लग रही है? आप इन्हें देखकर कहेंगे कि इसमें अजीब बात कौन सी है, ये तो चिप्स है। तो हम आपको बता दें कि ये चिप्स नहीं है, बल्कि एक जिंदा इंसान की चमड़ी है जो उसने अपने हाथों से उखाड़ कर पेंसिल्वेनिया के मटर म्यूजियम को डोनेट की। ये चमड़ी एक 23 साल की महिला की है। दरअसल इस चमड़ी को डोनेट करने वाली महिला को डर्मेटिलोमेनिया नाम की एक अजीब बीमारी है, जिसमें मरीज अपनी चमड़ी को धीरे धीरे अपने हाथों से ही अपने शरीर से अलग करता रहता है। और इस खास किस्म की बीमारी के कारण इस महिला ने भी साल 2012 में अपनी खुद की चमड़ी से भरी दो ग्लास बोतल्स को मटर म्यूजियम में डोनेट किया था। दोस्तों, मटर म्यूजियम में रखी ये चीजें देखकर अब आपको अंदाजा हो गया होगा कि मटर म्यूजियम कितना अजीबोगरीब है। तो इसलिए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं टॉप 10 वियर्डेस्ट थिंग्स ऑफ मटर म्यूजियम। हमारे आज के इस एपिसोड में आप मटर म्यूजियम में ग्रेट साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टीन के दिमाग को भी देखेंगे, तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। नंबर 9, द सोप ऑफ लेडी। ये जो डेड बॉडी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये एक महिला की डेड बॉडी है जिसकी मौत आज से लगभग 150 साल पहले हुई, लेकिन फिर भी इसकी डेड बॉडी आज तक डिकम्पोज नहीं हुई। आमतौर पर ये देखा जाता है कि किसी मरे हुए आदमी की बॉडी को जब गाड़ा जाता है तो उसकी बॉडी कुछ ही हफ्तों या महीनों में डिकम्पोज हो जाती है, लेकिन इस महिला की बॉडी 150 साल से डिकम्पोज नहीं हुई और ये आज भी सुरक्षित है। इस डेड बॉडी के डिकम्पोज नहीं होने के पीछे का कारण ये है कि इस महिला को जिस मिट्टी में गाड़ा गया, उस मिट्टी में एक ऐसी केमिकल रिएक्शन हुई जिसके कारण इस बॉडी के सॉफ्ट टिश्यूज का पूरा पानी सूख गया और इसके बाद इसके आसपास एक सोपी सब्सटेंस बन गया, जिससे ये बॉडी हमेशा हमेशा के लिए प्रिजर्व हो गई और इस बॉडी का डीकम्पोजिशन रुक गया। इस सोपी सब्सटेंस के कारण ही इस बॉडी को द सोपी लेडी कहा जाता है। नंबर 8, 7.5 फीट का कंकाल। दोस्तों, इस अजीबोगरीब म्यूजियम में एक ऐसा कंकाल भी रखा हुआ है जिसकी लंबाई लगभग 7.5 फीट है। इस कंकाल की लंबाई से आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कंकाल जिस आदमी का होगा उसकी लंबाई कितनी ज्यादा रही होगी। लेकिन इस कंकाल की खासियत सिर्फ इसकी लंबाई ही नहीं है, बल्कि इसकी एक और खासियत भी है। इस कंकाल के हाथ इसके घुटनों तक पहुंचते हैं, जो कि हैरान करने वाली बात है, क्योंकि किसी भी आम मनुष्य के हाथ उसके घुटनों तक नहीं पहुंच सकते। नंबर 7, खोपड़ियों की दीवार। मटर म्यूजियम की कुछ सबसे अजीब चीजों में से एक ये है कि यहाँ पर कुछ ऐसी खोपड़ियाँ रखी हुई है जिन पर आप अपना नाम लिखवा सकते हैं, और एक बार नाम लिखवाने के बाद ये खोपड़ी आपकी हो जाएगी और फिर आप सबको गर्व से ये कह सकते हैं कि आपकी खोपड़ी भी एक म्यूजियम में रखी हुई है। इसके अलावा इन खोपड़ियों की एक खासियत ये भी है कि ये सब के सब एक दूसरे से अलग दिखती हैं। नंबर 6, द बलून मैन। अब आप अपनी स्क्रीन पर जो ये गुब्बारे की तरह दिखने वाले स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये हकीकत में कोई गुब्बारा नहीं है, बल्कि ये एक इंसान का इंटेस्टाइन है। दरअसल ये इंटेस्टाइन जिस आदमी का है, उस आदमी का कॉन्स्टिपेशन सिस्टम सही नहीं था, जिसके कारण उसका इंटेस्टाइन बड़ा होता गया और आगे चलकर इस बीमारी के कारण उसकी मौत हो गई। और जब उसके मरने के बाद उसका पोस्टमार्टम करके उसका इंटेस्टाइन निकाला गया तो उसके इंटेस्टाइन की लंबाई थी 8.7 फीट। जब ये इंटेस्टाइन शरीर के बाहर निकाला गया तब ये कीड़ों से भरा हुआ था, लेकिन अब जो इंटेस्टाइन म्यूजियम में रखा हुआ है उसकी आउटर लेयर तो ओरिजिनल है, पर उसके अंदर आर्टिफिशियल चीजें भरी हुई हैं। नंबर 5, द हॉर्न लेडी। दोस्तों, आपने बहुत से जानवरों के सर पे सिंह देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी किसी इंसान के सर पे सिंह देखा है? अगर नहीं देखा तो एक बार फिर से स्वागत है आपका मटर म्यूजियम में। मटर म्यूजियम में आप एक ऐसी महिला का वैक्स स्टैचू देखेंगे जिसके सर पे सिंह है, और ये कोई इमेजिनरी स्टैचू नहीं है, बल्कि फ्रांस की रहने वाली एक रियल लेडी का स्टैचू है। और इस स्टैचू के वियर्डनेस में 4 चांद लगाता है इसके पास ही रखा एक इंसान का असली सिंह। नंबर 4, आइंस्टाइन्स ब्रेन। दोस्तों, मटर म्यूजियम में इन सब अजीबोगरीब चीजों के अलावा भी एक बहुत ही खास चीज रखी हुई है, और वो है आइंस्टाइन का दिमाग। मटर म्यूजियम दुनिया की उन 2 जगहों में से एक है जहां पर आइंस्टाइन के दिमाग का एक हिस्सा रखा हुआ है। आइंस्टाइन का ये जीनियस माइंड आप अपने मटर म्यूजियम की विजिट के दौरान में गैलरी में बड़े आराम से देख सकते हैं। नंबर 3, क्वींस इन अ रो। दोस्तों, आपने जुड़वा बच्चों को देखा होगा या उनके बारे में बहुत सुना होगा, लेकिन मटर म्यूजियम में रखे इन जुड़वा बच्चों को देखकर आप हैरान रह जाएंगे, और आपकी इस हैरानी के पीछे का कारण होगा इन बच्चों के 2 धड़ और 1 शरीर। इन बच्चों के इस शरीर के पीछे का कारण है एक बहुत ही रेयर जेनेटिक बीमारी जो दुनिया भर में 2 लाख बच्चों में से केवल 1 बच्चे को होती है। इस बीमारी के साथ पैदा हुए बहुत ही कम बच्चे लंबी उम्र तक जी पाते हैं। नंबर 2, द हॉन्टेड आइज। मटर म्यूजियम में एक दीवार ऐसी भी है जहां पर एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 40 ऐसी घूरती हुई आंखें हैं,
इन्हें देखकर कोई भी डर जाएगा। दरअसल मटर म्यूजियम एक मेडिकल म्यूजियम है, जिसके कारण यहाँ पर दुनिया भर से कई सारे मेडिकल स्टूडेंट स्टडी करने के लिए आते रहते हैं। और इसी कारण यहाँ पर एक दीवार पर ऐसी आर्टिफिशियल आंखें लगाई गई है जो आंखों से जुड़ी हुई कई सारी बीमारियों को दिखाती है। लेकिन अगर कोई आम आदमी इन आर्टिफिशियल आंखों को देख ले तो उसका तो डरना तय है। नंबर 1, द स्टोन लेडी। दोस्तों, जब आप मटर म्यूजियम को विजिट करेंगे तो आप एक और बहुत ही ज्यादा अजीब चीज देखेंगे, और ये अजीब चीज है पत्थर की बनी हुई लड़की का कंकाल। दरअसल आप जिस कंकाल को अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये वास्तव में पत्थर का नहीं है, लेकिन ये जिस लड़की का कंकाल है उसे एक ऐसी रेयर जेनेटिक बीमारी थी जिसके कारण उसका पूरा शरीर धीरे धीरे पत्थर की तरह बनता गया। और फिर एक समय ऐसा भी आया जब इस रेयर बीमारी से जूझ रही इस लड़की का शरीर पूरी तरह पत्थर जैसा बन गया और उसकी मौत हो गई। इस बीमारी से जूझ रहे इंसान का शरीर दिखना इतना ज्यादा रेयर है कि हम अगर पूरी दुनिया भी घूम ले तो भी हम इस बीमारी के पेशेंट से नहीं मिल पाएंगे। तो दोस्तों, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताएं कि आपको मटर म्यूजियम में सबसे अजीब चीज कौन सी लगी और क्यों लगी। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और जिन लोगों ने हमारे फेसबुक पेज ब्रीदिंग नॉलेज को फॉलो नहीं किया वो तुरंत फॉलो कर दें। तो फिर मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।